हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। वेलकम टू व्हाट्स न्यू विद स्वाति। अगेन थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आपको लेके आई हूँ आबू धाबी टू सी द बिगेस्ट टेंपल इन आबू धाबी, लार्जेस्ट हिंदू टेंपल इन गल्फ। वो देखने के लिए लाई हूँ एंड आपके साथ देखने के लिए भी। मैं वहाँ जा नहीं रही हूँ, मैं वहाँ आ चुकी हूँ। ठीक मेरे पीछे ये हिंदू टेंपल, तो चलिए आइए देखते हैं। कम विद मी। सो गाइज, यहाँ से है इसका एंट्रेंस कुछ इस तरह से। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं इस ब्यूटी को। अब हम जा रहे हैं अंदर गाइज। सो गाइज, मेरे पीछे की आई की स्क्रीन बनी हुई है, ठीक इसके ऊपर देखिए मंदिर की पहली झलक। So are you guys excited to see the temple? Come with me. So guys, this is the main entrance towards temple. बहुत ही प्यारा है ये एंट्रेंस भी, देख सकते हैं आप। एंड ये जो ब्लैक पीछे आप देख रहे हैं ये वाटरफॉल है, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी पास से। एंड ये रहा सामने हिंदू मंदिर जिसको देखने के लिए हम आ चुके हैं, पहुँच चुके हैं एग्जैक्टली उसके सामने। एंड ये है वाटरफॉल, बहुत प्यारा लग रहा है। पता नहीं आपको वीडियो में कैसा लग रहा होगा, बट सामने से बहुत सुंदर है ये। सो फाइनली चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा है ये मंदिर। मंदिर के दोनों साइड से वाटर तो है ही, और ये एक वाटरफॉल भी है जो बहुत अमेजिंग लग रहा है। एंड गाइस, ये बेल की आवाज सुन के फील कीजिए वाइब को। Now we are going to remove our shoes. Here, come. Done. And अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ हिंदू मंदिर। चलिए आइए मेरे साथ और साथ में मिलके देखते हैं इस ब्यूटीफुल हिंदू मंदिर, जो कि लार्जेस्ट हिंदू टेंपल है इन गल्फ, बिगेस्ट हिंदू टेंपल इन आबू धाबी। अब मैं आपको दिखाती हूँ। एंड यहाँ से एक बार पीछे का व्यू देख लीजिए, देखिए कितना रश है। एंड अब देखते हैं साथ में हिंदू मंदिर। See this beauty. Oh my God! See this beauty, guys. I mean, I can't express in words. I will try my best, but this is just wow. This is just wow. सो गाइस, अंदर ज़्यादा शूट अलाउड नहीं था, तो कुछ कुछ क्लिप्स मैंने लिए हैं, स्पेशली ये गणपति जी जो एंट्रेंस पे अमेजिंग पिलर। एंड ये देखिए आप कारीगरी देखिए, बिल्कुल बारीकी से इतने सुंदर पिलर्स अंदर बने हुए हैं, इतने सुंदर कि मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ वर्ड्स में। एंड गाइस, ये सारी कारीगरी जयपुर, राजस्थान और इटली से बन के यहाँ आई है थ्रू शिप, जो कि हम हिंदू की संस्कृति को साफ और क्लियर पिक्चर के थ्रू डिस्क्राइब कर रहे हैं, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ एक पिलर, और उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी आगे कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट हुआ है। सो ये है वो गाइस, यूनिटी ऑफ पिलर, जिसमें 1400 पिलर हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आउटसाइड। ये सो गाइज, अंदर से बाहर आते ही कुछ ऐसा व्यू है राइट साइड का, अमेजिंग। दिल खुश हो गया देख के सीरियसली, और ऑफकोर्स आपको भी वीडियो से बहुत अच्छा लग रहा होगा। एंड मैं अब आपको आगे की चीज़ें बताती हूँ एंड बाहर की कारीगरी आपको बिल्कुल क्लोज से दिखाती हूँ। ये देखिए, सो गाइज, ये तो आप सब जानते ही हैं आबू धाबी टेम्पल की इनॉग्रेशन के लिए ऑनर्ड पीएम
नरेंद्र मोदी जी स्वयं आए थे, खुद आए थे। इसका इनॉग्रेशन हो चुका है एंड ओपन ये आज से हुआ है, 1st of March, टुडे इज 1st of March। मैं इसको 1st of March को विजिट करने आई हूँ एंड ये चीज़ें तो आपको पता ही हैं, बट कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। वो है सबसे पहला, आबू धाबी में मंदिर बनाने का संकल्प 5 अप्रैल को 1997 को ब्रह्म स्वामी जी ने लिया था, जिसे कि काफ़ी सालों बाद अभी जो करण के गुरु हैं, जो करण के स्वामी हैं, उन्होंने इसे बना के ये भेंट करके वो संकल्प पूरा किया। एंड ठीक मंदिर के अंदर आपको एक पिलर की फ़ोटो दिखाऊंगी, द पिलर ऑफ यूनिटी, जिसे 12 कारीगर ने पूरा एक साल लग के मिल के वो पिलर को रेडी किया, जिसमें 1400 पिलर हैं। और वो देख के तो मैं अमेज होगी, बहुत ही अच्छा है। आई विल अटैच विद दिस वीडियो, आप ज़रूर देखिएगा। और जितने भी यहाँ पे आप ये कारीगरी देख रहे हैं, इस कारीगरी में गाइस पूरी रामायण महाभारत की कहानी दर्ज है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फ़ोटोज़ देखिए, आप देखिए इसमें, ये सब आपको कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर की जो स्टोरीज हैं वो दर्शाएंगे। और आगे का भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस, ये कहीं ना कहीं जो हमारे रामायण महाभारत वेद पुराण ये सारी चीज़ें ये पिक्चर्स दर्शा रही हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही क्लियरली। ये जो आप कारीगरी देख रहे हैं, ये आम कारीगरी नहीं है और यहाँ बिल्कुल नहीं की गई है गाइस। ये कारीगरी जो है राजस्थान की है प्लस इटली की, राजस्थान और इटली से ये पूरे जो पिलर्स हैं, ये पूरे जो कलाकारी आप देख रहे हैं, वहाँ से बन के शिप के थ्रू आई हैं और यहाँ पे फिक्स हुई हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। आप देखिए, सी, इतना एक्यूरेट, इतना क्लियर, अमेजिंग। एंड ये देखिए आप, यहाँ पे आपको रामायण की झलक दिखेगी, ये देखिए देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही बारीकी से, समझने वाले बिल्कुल एग्जैक्ट समझ जाएंगे जिन्होंने रामायण देखी है। बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया है, बहुत ही क्लियरली। सी द ब्यूटी गाइस, सी दिस, ये देखिए आप, इतनी बारीकी, इतनी क्लैरिटी कहाँ देखने को मिलती है। ये चीज़ें सिर्फ इंडिया में ही पॉसिबल हैं और वाकई काबिले तारीफ़ हैं जो ये राजस्थान से बन के आई हैं। जैसा कि मैंने सुना है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रही हूँ आपको, ये सारी चीज़ें मैंने यहीं आके सुनी हैं और वही एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मैं इस व्लॉग के थ्रू आप सबके पास पास कर रही हूँ। एंड गाइस, मेरा एडवाइस ये है, जब भी आप टेम्पल विजिट के लिए आएँ तो अराउंड 4:30 तक आ जाएँ, ताकि आप डे एंड नाइट व्यू, स्पेशली सनसेट व्यू, ये सब इन्जॉय कर पाएँ एंड मंदिर को इन्जॉय कर पाएँ। स्पेशली हमें तो इतना मज़ा आ रहा है, हमें यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, आई कांट एक्सप्रेस। सो गाइज, एक बार यहाँ से टेम्पल की लुक देखिए, सो गाइस, सनसेट हो चुका है, लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, मैं इसी चीज़ का वेट कर रही थी, ये चीज़ मुझे आपको ज़रूर ज़रूर दिखानी थी। नाउ टाइम टू एंड दिस व्लॉग। सो गाइस, आई रियली होप इस ब्यूटी को आपने मेरे साथ एंजॉय किया होगा इन कैमरा ओनली, बट आई वुड से जब भी आप अपना दुबई का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आबू धाबी हिंदू टेम्पल अपनी बकेट लिस्ट में ऐड करना मत भूलिएगा। एंड आई रियली होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग सके कि आबू धाबी हिंदू टेम्पल ओपन हो चुका है। एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड हंसते रहिए, सबको हंसाते रहिए, बाय।